हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो रहेगा स्क्रीन्स के गेमप्ले के ऊपर। तो ये जो वीडियो रहेगा इसमें मैं सोलो 13 किल्स लेता हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आप इसको पूरा देखना और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसमें आप मेरी असॉल्टिंग देख सकते हो और किस तरह से मैं बंदों को मारता हूँ और जो भी स्क्वाड आती है उनको किस तरह से क्लच करता हूँ। तो अभी आप वीडियो को देखो। ये वाला मैच रहता है, ये हम लोग पूरा का पूरा एग्रेसिव खेलते हैं क्योंकि अपना 10-15 मिनट के बाद एक और मैच रहता है तो हम लोगों को उसमें जाना रहता है। इसलिए हम लोग इसमें ये ट्राई करते हैं कि घुस के या तो मार दे या फिर मर जाए। तो अभी हम लोग इसमें पूरा का पूरा रश कर रहे होते हैं और रश करते करते मतलब जो भी आता है उनको मार ही देते हैं हम लोग। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलेगा या फिर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि अपने दिन भर में 10 कस्टम खेलते हैं तो ऑब्वियसली नया नया चीज़ सीखने मिलेगा। टूर्नामेंट में तो जैसे खेलते वैसे खेलेंगे। आज 7 बजे बता दिया हूँ ना, लेट फ्री रहना सब कोई। तो अभी हम लोग अपना ड्रॉप लूट के आगे की तरफ निकल रहे होते हैं जोन की तरफ को और यहाँ पर आते आते हम लोगों को पता चलता है कि नीचे गटका में फाइट हो रही है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि यहाँ से किसी को नॉक दे के पुश कर सके क्योंकि हम लोग वैसे भी पूरा एग्रेसिव खेलना होता है। तो ट्राई करते हैं कि नॉक दे सके और फिर मेरे पे गन भी VSS और उजी रहती है तो लूट भी नहीं रहती तो इनको मार के इनकी लूट भी ले लेते हैं। तो अभी यहाँ से नॉक निकालना रहता है तो मैं VSS से एक नॉक निकालता हूँ और पूरी टीम को कॉल देता हूँ कि पुश। वे कौन सोया हुआ है? Watch out! चलो। अरे पीछे से पड़ी हुई कुछ है। Enemies ahead. पर तो इनको इजीली हम लोग वाइप कर लेते हैं थर्ड पार्टी करके। और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपनी रूम्स वाली साइड को और रूम्स पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी बंदे रहते हैं। अरे चाचा बगी देख। ये ले 7 कैमो एक्सटेंडेड पिस्ट्रो। तो अभी ये BRDM वाला बंदा निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन हम इसके BRDM फाड़ देते हैं तो इसका किल तो अपने को मिल जाता है। वहाँ से रोटेट करके निकल रहे होते हैं कि हम लोगों को पता चलता है कि रूम्स में जो दो घर रहते हैं वहाँ पर बंदे हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इनसे भी फाइट ले ले। अभी मैं यहाँ पर एक नॉक तो निकाल देता हूँ लेकिन हम डायरेक्टली पुश नहीं करते क्योंकि गाड़ी से जाएंगे तो वो इजीली हम लोगों को मार ही देंगे। लेकिन फिर मैं ट्राई करता हूँ कि अपनी पोजीशन चेंज करके इनके ऊपर एक आध नेड करूँ और जब मैं नेड करता हूँ तो वो बंदा फट जाता है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली एक ही कॉल आती है कि पुश करो इनके ऊपर तो अभी हम लोग पुश करते हैं। श्योर नहीं हूँ ना मैं, 3 चल इतना
अबे मेरा नेट ये भी आपने देखा है कि ये वाली स्क्वाड तो मैंने इजीली क्लच कर दी और इनको 1v4 कर दिया। तो अगर आपके ऊपर कभी भी ऐसे रश आ रहा हो ना तो आप ट्राई करो कि जितने भी बंदे रहते हैं उनसे सोलो सोलो फाइट लेने की कोशिश करो। अभी देखो इन लोगों की गलती यही थी कि इन लोगों ने मेरे को सोलो सोलो फाइट दी, और 1v1 को मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर चुका हूँ कि मैं 1v1 ले लेता हूँ बंदों से। तो अभी ये लोग एक एक करके आया और मैंने एक एक करके इनको ईजिली डाउन कर लिया। अभी यही गलती आप लोगों को नहीं करनी है, कभी भी किसी भी पुश कर लो, चाहे वो स्क्वाड है चाहे वो सोलो बंदा है, साथ में घुस के मारो। क्योंकि अगर अगला बंदा अच्छा रहेगा और सोलो सोलो फाइट दोगे तो भाई आप मर जाओगे। हम लोग वहाँ से रोटेट करके वापस जो रूम्स में ऊपर घर रहते हैं वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपने लिए हाइट एडवांटेज रहता है। तो यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो मेरे को एकदम से बगी की साउंड आती है और मैं एकदम से ट्राई करता हूँ कि मैं बगी वाले को नॉक आउट फिनिश कर दूँ, और मैं वही करता हूँ। भाई ये दो बंदे रहते हैं इनके साथ बहुत देर तक इधर उधर घूमते घूमते फाइट ले रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं रहता है कि ये घर के नीचे भी अब अपडेट के बाद जगह आ चुकी है, तो ये लोग वहाँ पर बैठे हैं। तो नेड नूट सब कुछ ट्राई कर लेते हैं और भाई नॉक नहीं हो रहे, फिर हम लोग अंदर जाने की ट्राई करते हैं क्योंकि भाई पता नहीं रहता बंदे कहाँ पर चले गए हैं, क्योंकि फुटस्टेप तो आ रहा होता है। तो उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि भाई वो नीचे बैठे हैं, तो उनके साथ अभी इजीली फाइट लेते हैं। अरे साल में काम आ रहा है मेरे तरफ से आएगा जल्दी रे। और एक बग जाएगा, मच जा मच जा। अरे अंदर रूम में बैठा हुआ है ना दूसरा, ले रिवाइव दे रहा होगा अपने। पीछे से और बंदा आएगा। लिए अगर आप लोगों के पास कवर है तो ट्राई करो कि आप उस कवर का जितने अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो तो वो करो। तो फिर अभी एक और स्क्वाड हम लोग हमें बिल्कुल पुश कर देती है, पता नहीं क्या ही हो रहा होता है भाई। तो एक और स्क्वाड पुश कर लेती है, उसके साथ देखो कैसे फाइट लेता हूँ। आगे एक स्क्वाड भी आ गया वे। तू भी चला जाना टनल के अंदर अभी के लिए ही कर ले। तो अभी जो इनका एक बंदा रहता है मैं उसको तो पूरा का पूरा नॉक फिनिश डाल देता हूँ, और फिर भाई 1 HP रह जाता हूँ तो वो बंदा मेरे को इजीली मार देता है। तेरा किल किया है भाई 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 मैं नहीं मरता दोस्त भाई, इन लोगों को भी ले ही लेते भाई।